हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हेयरिज्म के बारे में। हेयरिज्म के अंदर अगर हम बात करें, आज हम बात करने वाले कैरेटिन की, कि कैरेटिन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग कैरेटिन तो कराते हैं बट यही नहीं पता होता कि कैरेटिन होती क्या है। कैरेटिन होती है कि जैसे हमारे हेयर्स की लेंथ होगी, उसके अंदर बहुत कट होते हैं, क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब आपके हेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक अ ब्रेकर टाइप क्यूटिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते, बट वो अनमैनेजेबल हेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि क्यूटिकल्स की वजह से वो अनमैनेजेबल दिखते हैं हेयर्स, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्मूथ लुक, प्रॉपर एक स्ट्रेट वर्क, वो उस टाइप में ट्रायंगल हेयर्स दिखते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें किस तरह का हमें प्रोसेस करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको कौन से शैम्पू, कौन से ब्रांड में आपको यूज़ करने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, और अगर हम बात करें अपने आज के डिस्कशन की, आज हम बात करने वाले कैरेटिन की। कैरेटिन बेसिकली इसी चीज़ के लिए होती है कि जितने भी हमारे हेयर्स के अंदर क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब कट टाइप के होते हैं, उनको फिलअप करने के लिए हम लोग कैरेटिन कराते हैं। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कैरेटिन से हमारे हेयर स्ट्रेट होते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता। कैरेटिन से कभी भी हमारे हेयर स्ट्रेट नहीं होते, ये कोटिंग होती है क्यूटिकल्स को फिल करने की। जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, जितने भी हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, उसको फिल करने के लिए कैरेटिन आती है, जिसको हम फिल अप कर देते हैं और उसको एक अच्छी सी लुक दे देते हैं हेयर्स को। जस्ट लाइक अगर आपने पोर्स हो जाते हैं, उसको रिमूव करने में बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि वो दिखते हैं। हेयर्स के अंदर कभी भी क्यूटिकल्स नहीं दिखते, क्यूटिकल्स जब आपके हेयर्स अनमैनेजेबल हो जाते हैं तब दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हम कराते हैं अपने हेयर्स की कैरेटिन, तभी आपको एक सलोन वाले कैरेटिन के लिए सजेस्ट करते हैं। कैरेटिन एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके हेयर मैनेजेबल हो जाए और एक अच्छी सी लुक भी दे, तो इसलिए हमें कैरेटिन करानी चाहिए। बट कैरेटिन के बाद कई चीज़ों में हम कराते हैं कैरा स्मूथ, कि स्ट्रेट प्लस कैरेटिन, कि आपने अपने हेयर्स को प्रॉपर एक स्ट्रेट कराने के बाद उसको कैरेटिन करा लिया। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कैरेटिन कराओगे तो आपको एक अच्छी सी लुक तो मिलेगी, मतलब के हेयर्स तो सॉफ्ट और स्मूथ और एक स्ट्रेट हेयर्स तो दिखेंगे, बट आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रेटनिंग नहीं दिखेगी, जैसे हम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग में चाहते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम लोग क्या चाहते हैं, देखते हैं कि कैरेटिन का मतलब स्ट्रेट हेयर्स होता है, कि हमने हेयर स्ट्रेट करा लिए तो ये हमारी कैरेटिन होगी। नहीं, सिर्फ कैरेटिन का मतलब होता है कि हमारे क्यूटिकल्स को फिल करना, कैरेटिन कराते हैं। तो कैरेटिन के बाद हमें ऐसे कौन से शैम्पू हमें यूज़ करने चाहिए जो उसको उसकी लॉन्ग लाइफ बना दे, क्योंकि देखो ऐसा तो होता है कि जिस चीज़ से हमने क्यूटिकल फिल की है वो कभी ना कभी तो निकलेगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ परमानेंट हो, और आपकी जो लेंथ अंदर से आएगी हम उसको कैसे मैनेजेबल कर सकते। अगर हम बात करें अपने आज के प्रोडक्ट की, आज हम बात करने वाले हैं कैरेटिन शैम्पूज और कैरेटिन हेयर मास्क की, कि हमें क्यों यूज़ करने चाहिए और हमें इसका क्या बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें अपने आज के प्रोडक्ट की, फर्स्ट हम बात करने वाले शॉस्कॉफ कंपनी का बॉनिक्योर मिसेलर कैरेटिन शैम्पू, जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड हम बात करने हैं लॉरेल के एक्सेंसो गोल्ड की। ये दोनों एक कैरेटिन प्रोडक्ट है और सिर्फ कैरेटिन के ही अंदर ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मैक्सिमम लेवल इनका कैरेटिन के अंदर ही है, क्योंकि कैरेटिन इनको प्रॉपर क्योंकि ये दोनों शैम्पू एक कैरेटिन प्रोसेस के लिए ही बने। सबसे पहले अगर हम बात करें, वो बात है शॉस्कॉफ के बॉनिक्योर शैम्पू की, जो मिसेलर शैम्पू है। अगर हम इसके क्वालिटी की बात करें, बहुत अल्टीमेट क्वालिटी है। सबसे बड़ी बात है सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, मतलब जितने भी हमारी कैरेटिन होती है अगर उसको सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है वो होता है सल्फेट और पैराबिन, क्योंकि सल्फेट और पैराबिन उन क्यूटिकल्स के अंदर जो कैरेटिन फिल होती है उसको वॉश कर देता है। तो इस वजह से जितने भी इनके शैम्पूज बनते हैं वो पैराबिन और सल्फेट फ्री बनते हैं और प्रोफेशनल प्रीमियम फॉर्मुलेशन के साथ ही बनते हैं, क्योंकि एक अच्छी सी रिसर्च के बाद ही ये शैम्पूज बनते हैं और प्रॉपर। तो अगर हम बात करें शॉस्कॉफ ब्रांड की, शॉस्कॉफ एक इंटरनेशनल ब्रांड है और हमें बहुत बेस्ट क्वालिटी देता है, क्यूटिकल्स को प्रॉपर मेंटेन रखता है, मतलब आपके क्यूटिकल्स के अंदर जो कैरेटिन है उसको प्रॉपर मेंटेन रखता है, उसके अंदर जो फिलिंग होती है कैरेटिन उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देता है, और आपके हेयर्स जितने भी अनमैनेजेबल हैं और जितने भी इनके अंदर एंटी डस्ट है उसको रिमूव करने के साथ कैरेटिन को रिमूव नहीं करता और हेयर्स को मैनेजेबल करता है, स्मूथ करता है और सॉफ्ट करता है, और साथ साथ लाइट वेट का भी बहुत अच्छा फील कराता है, जो आपको एक लाइट वेट प्रूफ भी देता है। तो आप यूज़ कर सकते हो कैरेटिन शैम्पू शॉस्कॉफ कंपनी का। अगर हम बात करें, अपने शैम्पू तो कर लिया, उसके बाद सेकंड आपको इसका यूज़ करना होता है हेयर मास्क। हेयर मास्क आपको कंडीशनर की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कंडीशनर करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट लाइक कंडीशनर ही यूज़ करना है। बट कंडीशनर में होता क्या है,
कि आप कंडीशनर करने के बाद आपको फिर आपको मास्क यूज करना पड़ता है। स्किप कर सकते हो कंडीशनर को, किसी भी तरह से आप स्किप कर सकते हो और आप मास्क यूज कर सकते हो डायरेक्टली। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा क्या, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा क्या, सबसे बेस्ट है आपको लगाना कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन के अंदर लगाओ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आपकी लेंथ के लिए होता है, स्कैल्प के लिए बिल्कुल नहीं होता। और आपको अपनी स्प्लिट एंड्स पे लगाना होता है, मतलब जो आपकी लास्ट में जो लेंथ रह जाती है टेल, उसको हम टेल लेंथ भी बोलते हैं, अब उसके ऊपर लगाना होता है हमें। और इसको प्रॉपर एक मैनेजेबल बना देता है हेयर्स को, मतलब जितने आपके स्प्लिट एंड्स हैं उनको रिमूव करता है, आपकी केराटिन को बिल्कुल वॉश नहीं करता और एक आपके हेयर्स को न्यूट्रिशन देता है, मतलब आपके हेयर्स को मॉइस्चर लॉक करने का काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, जो हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वाले हेयर्स बना देता है, जो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम क्वालिटी की बात करें, बहुत अमेजिंग क्वालिटी है। दोनों प्रोडक्ट हमारे पैराबिन और सल्फेट फ्री है, जो केराटिन के अंदर सबसे बेस्ट चलते हैं दोनों शैम्पूज और कंडीशनर। शॉस्कॉप ब्रांड का जो हमारा हेयर मास्क आता है, हम इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज केराटिन के बाद जितने भी क्यूटिकल्स होते हैं उसको क्लीन करने में तो हमारा शैम्पू मिसेलर शैम्पू बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर इसका मास्क आता है, मास्क का मेन मोटिव क्या होता है, मास्क का मेन मोटिव होता है जितने भी आपके क्यूटिकल्स के अंदर कट है उसको प्रॉपर फिलअप कर देना, उसको प्रॉपर टाइट अप कर देना और एक प्रॉपर मैनेजेबल हेयर्स करना। अगर हम शैम्पू और मास्क की बात करें, इसकी प्राइसिंग की बात करें, हमें शैम्पू की प्राइसिंग मिलती है 900 और हेयर मास्क की प्राइसिंग मिलती है हमें 1000 रुपीज के अराउंड। तो आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों को आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं केराटिन के बाद। आप इसको विदाउट केराटिन भी यूज कर सकते हो अगर आप केमिकल्स को अवॉइड करना चाहते हो, और आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इन शैम्पू। अगर हम बात करें अपने सेकंड शैम्पू की, वो आता है हमारा लॉरेल का एक्सटेंसो केयर गोल्ड शैम्पू और एक्सटेंसो केयर गोल्ड हेयर मास्क, जो दोनों ही बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात की थी, क्योंकि इसका एक ब्लू शैम्पू भी आता है उसके बारे में बात की थी। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके ऊपर इसकी प्रॉपर वीडियो भी है, एक अलग से सेपरेट वीडियो भी है। केराटिन शैम्पू गोल्डन और ब्लू की एक स्पेशल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आज हम बात करें केराटिन के लिए, ये भी एक केराटिन शैम्पू है जो हमें बहुत बेस्ट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि लॉरेल का ट्रस्ट हमें शुरू से ही मिलता आया है। लॉरेल एक बहुत पुराना ब्रांड है और इंटरनेशनल ब्रांड है लॉरेल भी। अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें, बहुत जेन्युइन क्वालिटी है, हमारे हेयर्स को प्रॉपर स्मूथ करता है। इसके अंदर भी पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री है, मतलब आपकी केराटिन को किसी भी तरह से वॉश नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी हमारा सल्फेट होता है इन शैम्पूज के अंदर नहीं होता। बहुत बहुत अच्छे हमें रिजल्ट भी देते हैं सल्फेट ना होने के बाद भी। अब हम इसके अंदर क्वालिटी की बात करें, हमारे हेयर्स को प्रॉपर मैनेज करता है ये शैम्पू भी, जितने भी हमारे फ्रीजी हेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है और एक प्रॉपर सा मॉइस्चर लुक भी देता है, जिससे हमारे हेयर स्ट्रेट भी लगते हैं और केराटिन भी वॉश नहीं होती। और उसके साथ साथ हमारे हेयर्स को न्यूट्रिशन भी देता है, साथ साथ अनकर्ली हेयर्स होते हैं उनको प्रॉपर एक मैनेज करके रखता है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट पोजिशन में ही रखता है हेयर्स को, क्योंकि उसके अंदर एक मॉइस्चर लॉक कर देता है एक लंबे समय के लिए। इसके अंदर भी आप कंडीशनर को स्किप कर सकते हो और मास्क ले सकते हो। मास्क का हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें कंडीशनर स्किप करने के साथ हमें स्मूथनेस तो मिलेगी ही मिलेगी और हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा मिलेगा। जब भी हम अपना शैम्पू यूज कर लेते हैं उसके बाद हमें हेयर मास्क जरूर यूज करना चाहिए केराटिन वाला, बिकॉज केराटिन हेयर मास्क इस वजह से यूज करना चाहिए केराटिन शैम्पू के बाद, क्योंकि जितने भी हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उसके अंदर हम केराटिन फिल करा लेते हैं, बट हम कुछ टाइम तक तो शैम्पू मास्क दोनों यूज करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद अगर आपका मास्क खत्म हो जाए आप शैम्पू यूज कर लेते हो, मास्क को स्किप कर देते हो। बट मास्क करता क्या है, मास्क करता है कि आपके जितने भी क्यूटिकल्स होते हैं, जितने भी हमारे क्यूटिकल्स होते हैं हेयर्स के अंदर, उनको प्रॉपर टाइट अप करता है और आपके केराटिन को कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वॉश तो होना ही है क्योंकि उसकी भी कुछ ना कुछ तो लाइफ है 1 ईयर या 1.5 ईयर्स, तो उसके बाद रिमूव हो जाती है केराटिन ऑटोमेटिकली। तो हेयर मास्क आपका करता क्या है, उन क्यूटिकल्स को प्रॉपर टाइट अप कर देता है और आपको केराटिन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ये प्रॉपर हमारे हेयर्स को मैनेज रखते हैं। तो आप यूज कर सकते हो लॉरेल का एक्सटेंसो गोल्ड भी, जो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर हेयर मास्क यूज करना कंपलसरी है केराटिन के बाद, क्योंकि आपके क्यूटिकल्स को टाइट करते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करता है। अगर हम इन दोनों के प्राइसिंग की बात करें, हमें शैम्पू की प्राइसिंग मिलती है, अगर हम बात करें दोनों के शैम्पू और मास्क की, शैम्पू की कॉस्ट मिलती है हमें 950 के अंदर और हेयर मास्क की प्राइसिंग मिलती है हमें 1065 रुपीज। तो आपको यूज करके ट्राई करने चाहिए केराटिन के बाद, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोनों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।